The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, dosto, koi bhi, kabhi bhi, kitni bhi badi choti emergency hoti hai. So, hum log kya karte hain? Pehle hospital ki taraf daudte hain. Lekin उस बीच उस दौरान हमें कुछ बातें पता होना चाहिए राइट कि भाई हमें क्या एक्सपेक्ट करना है हमें क्या करना है कौन सी बीमारी का क्या क्या फर्स्ट एड होता है सो अगर हम बेसिक बात करेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है सो मान लो कि कभी कोई चोक कर रहा है किसी के फूड पाइप में कुछ अटक गया तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और जिसमें कि एक छोटा सा मान लीजिए पीठ से जो हेल्मिक मैन्यूवर होता है जो कई बार आपने देखा है पीछे से दबा दबा के छाती से वो निकल जाता है तो वो अगर आपको पता हो तो आप जान बचा सकते हैं यहाँ तक कि इमरजेंसी जाने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ तक कोई बेहोश हो जाए किसी का दिल रुक जाए कार्डियक अरेस्ट हो जाए तब भी आपको CPR कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन रिससिटेशन का जो बेसिक पता हो कि भाई हाँ छाती में कहाँ दबाना है कितना दबाना है तो एटलीस्ट आपको इतना है कि आप कुछ तो करोगे एटलीस्ट कोई चांस होगा जिसमें वो पर्सन की सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाए या और साथ में कोई मान लो चोट लग जाए कोई इंजरी हो जाए कोई कट जाए कोई सांप काट ले तो ऐसी सारी चीज़ों में भी फर्स्ट एड ज़रूरी है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे भाई उसको पानी से धोना है कि नहीं धोना है ब्लीडिंग रोकनी कैसे है उसके ऊपर प्रेशर लगाना है नहीं लगाना है सो बहुत सारे फर्स्ट एड हैं क्वाइट फ्रैंकली हर सिचुएशन में फर्स्ट एड अलग होता है सो इस चीज़ के बारे में तो पूरी बुक लिख सकते हैं बट हम ट्राई करेंगे आपको फर्स्ट एड के बारे में मैक्सिमम नॉलेज देने की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं राइट अगर बेसिक चीज़ थोड़ा सा मैं बता दूँ कभी भी किसी को भी कोई भी चोट लगती है तो उसको उसको आपको थोड़े से ठंडे और नॉर्मल पानी से धोना है और उसके बाद में ब्लीडिंग रोकने के लिए एक फर्म जेंटल प्रेशर ज़रूर लगाना है उनके हाथ के ऊपर ठीक है और उसके ऊपर क्या करना है ब्लीडिंग रोकने के बाद अगर ब्लड ज़्यादा आ रहा है रुक नहीं रहा है तो वो लेयर को वहीं रख के ना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाना है ये बेसिक है ब्लीडिंग रोकने का फर्स्ट एड जो आपको सबको पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग रोकने के लिए फर्म और प्रेशर जेंटल लगाना है गॉज पीस के साथ नहीं रुके तो दबाते प्रेशर बढ़ाना है कंटिन्यू प्रेशर तक हॉस्पिटल लेके जाना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और फर्स्ट एड की एक किट होनी चाहिए आपके आसपास अवेलेबल वो एक ज़रूरी चीज़ है ठीक है तो ये फर्स्ट एड का बेसिक अब शुरू करते हैं कि किस सिचुएशन में क्या फर्स्ट एड करना है इवन छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि फीवर है जैसे कि पेट दर्द है वो एक मेडिकल इमरजेंसीज बन सकती है राइट और ये मेडिकल इमरजेंसी बुखार बहुत ज़्यादा हो गया पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया या कहीं हाथ कट गया या एक्चुअली कोई बीमारी कोई बेहोश हो गया राइट पेट में इतना दर्द है दिक्कत हो गई सो ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज को भी कैसे मैनेज करना है ये इंपॉर्टेंट हमें देखना होगा राइट और हम कॉमन मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए राइट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मान लो किसी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बेली पेन हो रहा है ये माइनर फूड पॉइजनिंग भी होती है ये इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन भी हो सकता है अपेंडिसाइटिस किडनी स्टोन पेप्टिक अल्सर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो इस केस में पेन किलर लेने से पहले आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए पेन किलर अलग चीज़ है क्योंकि एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड करते समय पेन एलिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ फिर अगर मान लो एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा फर्स्ट एड उसमें ये है ये नहीं कि पेन किलर दे दिया दर्द में आ रहा होगा घर में बैठे हैं गलत एडवर्स कोई मान लो कि ड्रग रिएक्शन हो जाता है कभी कभी रिएक्शन बहुत सीवियर होता है राइट उतने सीवियर ड्रग रिएक्शंस में एनाफेलेक्सिस तक हो सकता है एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस आ सकते हैं जिसमें कि आपकी सांस फूलने लगेगी कभी कभी वो किसी दवा से भी हो सकता है कभी कभी किसी इंसेक्ट बाइट से कभी किसी चीज़ के एक्सपोजर लेटेक्स से एक्सपोजर से ऐसे सिचुएशंस में तुरंत इमरजेंसी दौड़ना चाहिए और उस समय अगर आपको एलर्जी की कोई दवा पहले से दी गई है एपिनेफ्रिन का कोई पेन हो कोई एंटी एलर्जिक दवा हो तो वो चीज़ आप दे सकते हैं इस केस में बहुत सेम चीज़ अप्लाई करती अस्थमा के फर्स्ट एड में अस्थमा का फर्स्ट एड में जब अस्थमा का अटैक होता है मेजर अटैक होता है बॉडी का रिस्पॉन्स होता है सांस की नलियाँ बंद हो जाती है इस केस में आपका जो इनहेलर है आपके पास जो नेबुलाइजर है ब्रोंकोडायलेटर की मेडिसिन है
वो आपको लेना है और हॉस्पिटल जाना है। ये बेसिक है फर्स्ट एड के बारे में। किसी किसी स्टिंग मान के लिए किसी ने काट लिया, कोई बाइट हो गया, स्टिंग हो गया, ज्यादातर जो बाइट्स होती हैं वो डेंजरस नहीं होती, याद रखिए। ऐसा नहीं कि हर एक बार कोई जानवर ने काट लिया तो मरी जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ज्यादातर जानवर है, सांप जरूरी है हर बार निकलेगा, लेकिन कभी कभी कोई डेंजरस पॉइजनस इंसेक्ट, सांप, स्नेक बाइट, या कभी कोई जेलीफिश, या कभी कभी आदमी भी किसी आदमी को काट देता है, डॉग काट लेता है। सो इसमें क्या है, कोई दूसरी बीमारी भी निकल के आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन कर सकती है, इन्फेक्शन जा सकता है, टिटेनस, टिटेनिस का पॉइज़न, स्पोर्स जा सकते हैं। सो टिटेनस का इंजेक्शन जरूर लगाना होता है और हॉस्पिटल जाके इवेलुएट करना होता है आपके सिम्टम्स, और हो सके तो वो चीज़ जिसने काटी है अगर वो मिल जाए, सांप हो, इंसेक्ट हो, तो वो बहुत अच्छा होगा, उससे पता चल जाएगा वो पॉइजनस है या नहीं। तो इस केस में उस घाव को साबुन पानी से 10 मिनट तक धोना है। किसी ने भी काटा हो, स्नेक बाइट हो, डॉग बाइट हो, ह्यूमन बाइट हो, इंसेक्ट बाइट हो, उसको 10 मिनट तक धोना है। 10 मिनट तक धोने के बाद उसके ऊपर पट्टी नहीं बांधनी है, राइट? ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग प्रेशर से रोकिए, हॉस्पिटल जाइए। ये नहीं कि टाइट पट्टी बांध दी या बाहर सामने वो रोक के बांध दिया, वो क्या जहर नहीं जाना चाहिए, वो सबसे कुछ नहीं होता, राइट? इन सबको वो बकवास है, ये सब की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल जाइए, उसके अंदर इंजेक्शन लगता है अगर ज्यादा बड़ा घाव है, और वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगते हैं आपको टिटेनस के, और अगर कोई एनिमल बाइट है तो रेबीपुर, रेबीज के, वो भी लगते हैं। जी हाँ, एनिमल बाइट में, इवन ह्यूमन बाइट में भी लगते हैं, लगने चाहिए। फिर बात आई, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या करोगे? ये बहुत कॉमन है बच्चों में, बड़ों में, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, कोई ऊपर से कूद जाता है, पता नहीं क्या करते हैं, गिर जाते हैं कभी कभी चलते फिरते, कभी कभी चोट लग जाती है, कभी स्पोर्ट्स खेलते खेलते किसी ने, या फिर कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, इंटेंशनल इंजरी हो जाती है वॉयलेंस अब्यूज से। सो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्प्लिंटिंग द लिम, मतलब जो जहां से टूटा है उसको जितना मिनिमम हो सके उसको हिलने नहीं देना है। उसके ऊपर का और नीचे का जो जॉइंट, मान लो यहाँ से टूट गया, तो ये ऊपर और नीचे वाला जॉइंट हिलने नहीं देना है। उसको यहाँ से आप दो लकड़ियाँ डाल के, दो लकड़ियाँ ऊपर एक लकड़ी, नीचे एक लकड़ी, या गत्ता रख के बांध दीजिए, ताकि उसके ऊपर वाला और नीचे वाला जॉइंट ना हिले, और हॉस्पिटल ले जाइए। इतना काम करना है आपको तुरंत से तुरंत, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड इन दैट सिनारियो। सो हर एक के पास में फर्स्ट एड किट में वो सब तो नहीं रख सकते, पर बैंडेज तो होती है, बैंडेज ले ली और दूसरी जो भी चीज मिल जाए, राइट? याद रखिए, ऊपर वाला जॉइंट और नीचे वाला जॉइंट इमोबिलाइज करना, ये बेसिक है, राइट? और उस लिम को अगर ऊपर कर देंगे ना, तो ऊपर में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा उसमें, तो वो एलिवेट करने से आप उससे ब्लीडिंग अगर हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो कम कर सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर बना के रखिए, हॉस्पिटल ले जाइए, इतना कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर मान लो कभी बर्न्स हो गया, जल गया कोई, सो इस जल जाने वाली चीज में कभी हॉट लिक्विड, कभी कुकिंग ऑयल, कभी कोई एक्सपोजर हो गया, ऐसी कोई चीज में, यस, उसको भी पानी से थरली वॉश करना जरूरी है। पानी से खूब धोना है और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। अगर बहुत सारे एरिया में बर्न हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट है, राइट? सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर बहुत सारा बर्न्स है तब भी उनको कायदे से फटाफट बॉडी को कूल करना होता है, बॉडी के ऊपर सिल्वर सल्फर सलीन के जो क्रीम होती है, बर्न यूनिट्स होते हैं उनमें जाके वो लगाते हैं, और बॉडी कूल करना, क्योंकि डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा पॉइंट है, उनको भी पानी ग्लूकोज से देना जरूरी है। बर्न से बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है। सो उसका बेसिक ये है, अगर थोड़ा बहुत बर्न है, पेशेंट ठीक है, पानी पी सकते हैं तो पानी पीजिए, नहीं तो फिर ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ टूथपेस्ट लगा लिया और मैं ठीक हूं जी, ऐसा नहीं होता, राइट? यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस। बर्न से अंदर अंदर तक पानी खत्म हो जाता है, डिहाइड्रेशन इज अ बिग इशू, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, वाइटामिन डेफिशिएंसीज आ जाती है, सीधा सीधा स्किन स्क्रिप ऑफ हो जाता है ना, ऐसी चीजें होती है, राइट? फिर चेस्ट पेन, चेस्ट पेन इज ऑलवेज ऑलवेज अ रीजन टू गो टू द इमरजेंसी। भी कोई भी तरीके का छाती में दर्द हो, आपको लग रहा है नहीं गैस है, नहीं मसल पेन है, भूल जाओ ये सब, हॉस्पिटल जाओ, राइट? ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चेस्ट पेन से आपको सबसे ज्यादा खतरा है, छाती में दर्द से हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट, ऐसे कई लोगों को जवानी हो, बुढ़ापा हो, होता है। सो चेस्ट पेन का इवेल्युएशन ईसीजी तुरंत होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, ईसीजी। और बाकी अगर हार्ट के ऊपर हमें डाउट हो रहा है तो ट्रोपोनिन्स एंजाइम होते हैं जो हार्ट के डैमेज में खून में आते हैं, और इकोकार्डियोग्राफी, ये तीन चेस्ट, और बाकी कोई अगर गैस वैस का होगा तो वो माइनर इंजेक्शंस, और उससे आराम हो जाएगा।
चोकिंग आ रहा है तो हेलमिट्स मैन्यूवर मैंने बताया है, जो आपको एग्जैक्ट करके तो मैं नहीं दिखा सकता, बट वो चोकिंग के लिए हेलमिट मैन्यूवर का आप वीडियो देख सकते हो बहुत आसानी से, उसमें पता चल जाएगा। और बाकी इलेक्ट्रिकल शॉक अगर लग जाए, मान लो किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक से कई बार बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर रिदम प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की रिदम एबनॉर्मलिटी हो जाना, हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाना, ये चीज़ होती है। इसलिए इलेक्ट्रिकल शॉक वाले का भी ईसीजी होना ज़रूरी है, उसको भी इमरजेंसी में लेके जाना है इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए, ये बात याद रखिए। बाकी कोई बेहोश हो जाए तब भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ देखनी है कि एयरवे यानी मुंह के अंदर कुछ फंसा तो नहीं है, ब्रीदिंग सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, और धड़क पल्स आ रही है नहीं आ रही है, पल्स रेट यहाँ पर पैरों में पल्स आ रही है नहीं है, पल्स नहीं आती देखनी तो पल्स बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करो, पल्स कैसे देखनी है वो वीडियो आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेड इंजरी हो जाए, किसी को चोट लग जाए, सर में चोट लग जाए, तो सीटी स्कैन होना चाहिए। हेड के अंदर ब्लीडिंग होती है तो खासकर अगर किसी को नाक से मुंह से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, नो डाउट सीटी स्कैन होना चाहिए, ब्लीडिंग हो सकती है, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पे रहना चाहिए पेशेंट, इमरजेंसी तुरंत दौड़ना चाहिए। उस बीच क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेशेंट को सोने मत दो ये मत दो, हाँ जी हाँ थोड़ा बहुत रहता है कि होश में रहे ताकि हमको इवेल्युएट करने को मिले, राइट। और इवेल्युएशन के बीच में तुरंत के तुरंत अपना हॉस्पिटल पहुंचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सेफ्टी रखो, हेलमेट पहनो, अपना सीट बेल्ट पहनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन है हेडेक वाली। और बाकी हाइपोथर्मिया, हीट रिलेटेड हीट स्ट्रोक होता है इंडिया के अंदर, बहुत कॉमन है, राइट। उन सब चीज़ों से आपको ये समझना है कि डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है हीट को हल में, और हाइपोथर्मिया में वार्म रखना जरूरी है। ऑब्वियसली कोई बहुत ठंडा हो गया तो उसको गर्म कंबल में लपेट दीजिए, धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मलाइज करिए, ठीक हो जाएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाक से ब्लीडिंग हो जाए, नोज ब्लीडिंग हो जाए, वो भी एक काइंड ऑफ इमरजेंसी होती है, तो नाक के पिन को, टिप को पिंच करना है आपको, और पीछे के लिए तरफ नहीं आगे की तरफ झुकना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके अलावा पॉइजनिंग हो जाए, कोई चाकू वाकू घोप दे, पंक्चर वुंड हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। पॉइजनिंग के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू रश टू अ हॉस्पिटल, और पंक्चर वुंड है किसी ने, कोई मान लो कोई लग गया, कुछ घुस गया कोई, तो ऐसी चीज़ों में वाइटल्स बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का पल्स बीपी चेक करिए और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, अंदर कुछ ही मेजर ऑर्गन को डैमेज हुआ है नहीं हुआ है ये देखना ज़रूरी है पंक्चर वुंड में। बाकी दौरा पड़ता है लोगों को, सीजर डिसऑर्डर, कभी दौरा पड़ जाए तो दौरे में भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप पेशेंट को, ऑब्वियसली दौरे में दौरा रोकना जरूरी, कंटिन्यूस दौरा हो रहा है 4 मिनट 5 मिनट, वो स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाएगा, वो जान को खतरा लेता है, अगर दौरा थोड़ी देर रोके रुक गया दैट इज ओके। सो दौरा मतलब मिर्गी का दौरा, मिर्गी के दौरे में दवाइयाँ दी जाती है और ये काफ़ी सारे लोगों को 2 से 3 मिनट्स के ऊपर नहीं होता, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है देन इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, इवन दौरा वैसे भी पड़े तो भी इमरजेंसी है, इसमें आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना चाहिए, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फिर स्ट्रोक हो गया, लकवा पै गया, लकवा पड़ गया, एक हाथ काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये भी इमरजेंसी है, सीटी स्कैन एमआरआई होना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि पहला 1-2 घंटा, पहले 3 घंटा ऐसा टाइम होता है उसमें भी कि मान लो अगर क्लॉट है और हम थ्रोम्बोलिसिस कर दें, वहाँ क्लॉट घोलने की दवा दे दें तो पेशेंट पूरा ठीक हो सकता है, लेकिन ब्रेन में एक बार परमानेंट डैमेज हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एड में पहला काम क्या करना है, किस बीमारी में किस फर्स्ट एड चीज, ये बात पट्टी करने तक सीमित नहीं है। फर्स्ट एड इज जनरल बेसिक नॉलेज, मेडिकल नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया, कोई भी सवाल है जरूर लिखिए और शेयर करना है इस वीडियो को कंपलसरी। ऑलराइट, थैंक यू।